नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों से मेरी जब बात होती है तो उनका एक क्वेश्चन नॉर्मल होता है कि हमें रेट बनाना कैसे सीखे। तो दोस्तों, मैं आपको एक नॉर्मल बातें जो होती है उस तरीके से आपको समझाऊंगा कि रेट कैसे बनाते हैं, और ये तरीका आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा जैसे मैं समझाता हूँ, क्योंकि देखो जो समझाने का तरीका होता है उससे आदमी समझ भी जाता है सिंपल में। तो आप इस तरीके से दिमाग में ये चीज़ें सोच के और आप कोशिश करना, आपको ये बातें ज़रूर समझ में आएंगी, और एक बार मेरे कहने से आप इस तरीके से रेट बनाने की कोशिश करना तो आपको ये रेट समझ में भी आ जाएगी। सर्वप्रथम मैं आपको रेट बनाने का सिंपल फॉर्मूले की बात करूंगा। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? यही फॉर्मूला बड़ी चीज़ों में काम आता है और यही फॉर्मूला छोटी चीज़ों में काम आते हैं। चाहे हम एक 10 बाई 10 की जो दीवार होती है उसकी रेट निकाल लें, चाहे हम पूरी बिल्डिंग में जितनी भी दीवार होती है उसकी रेट निकाल लें। इसमें एक समस्या जो आती है वो एक पॉइंट होता है, आप जो ग्राउंड फ्लोर पे हम मतलब 10 बाई 10 की दीवार जो चुनाई करते हैं तो उसकी रेट अलग होती है, और उसके बाद में जो फर्स्ट फ्लोर हो गया उसकी रेट थोड़ी और बढ़ जाएगी, और सेकंड फ्लोर हो गया उसकी और बढ़ जाएगी, थर्ड फ्लोर हो गया उसकी और बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से हमारी रेट हर फ्लोर पे बढ़ती जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि जब मेटेरियल ऊपर चढ़ता है तो उसमें हमारी लेबर एक्स्ट्रा लगती है। तो दोस्तों, इसमें कोई गुणा भाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपल भाषा में इस बात को समझें कि पहले ये देखें, सबसे पहले काम कि हमारा जो मटेरियल आ रहा है मार्केट से वो किस रेट में आ रहा है। मेटल की रेट जो होती है कि हमने कितने का ख़रीदा, जैसे ईंट कितने की खरीदी, ईंट लगा ली है, उसके बाद में उसमें सीमेंट और जो डस्ट होता है या बजरी जो होती है, ये जिसमें मसाला बनाते हैं उसको खरीदना, उसकी क्या रेट होती है, सीमेंट की रेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। इसके ऊपर अब हम किराया भी इसमें अलग से ऐड करते हैं, अगर हमारा किराया अलग से है तो किराया भी इसमें जोड़ लेना चाहिए। अब किराए के बाद में अब हो जाता है हमारा आना जाना, क्योंकि हम भी तो आए हैं वहाँ पे, माल मेटल खरीदने गए हैं, तो हमारी गाड़ी का जो पेट्रोल जलता है और उसका भी खर्चा ऐड करना पड़ता है, फिर हम भी आते जाते हैं माल मेटल खरीदने हैं तो हम क्या फ्री में थोड़ी ना काम करते हैं, हम भी करेंगे तो हमारा भी पैसा हम उसमें ऐड करना चाहिए। इस तरीके से अब दुकान का काम हमारा हो गया कंप्लीट, क्योंकि जो भी चीज़ खरीदी वो सारी का रेट लिख लिया, उसके बाद में हमने अपना रेट जो हमारा नॉर्मल जो खर्चा होता है हम वो लिख लेते हैं, कि जो जेन्युइन खर्चा है वो लिख लिया हमने कि इतना हमारा खर्चा हो गया, इतना हमारा मेटल हो गया। अब आगे इस चीज़ को ध्यान रखें, आगे जब साइड पे माल पहुंचता है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मेटल पे जहां हम साइड पे काम करेंगे तो मेटल वहां से कितनी दूरी पर है, क्योंकि वो दूरी भी हमें देखनी पड़ेगी कि उस दूरी से मेटल आता है तो उसके लिए हमें अलग से चार्ज लगता है। जैसे होता क्या है, कई साइडें ऐसी होती हैं जहाँ पे माल रखने के लिए जगह नहीं होती और काफ़ी दूरी पर मेटेरियल ज़्यादा रखा जाता है, वहाँ से जब माल लाते हैं तो उसके लिए अलग से हमें लेबर जो लगती है तो हमें उसका चार्ज भी जोड़ना चाहिए। वो लेबर कितना चार्ज है वो हमें जोड़ लेना है कि इतना लेबर इसमें लगेगी। आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि हमारे इसके अंदर इतनी लेबर लग जाएगी। अब लेबर के बाद में फिर और चीज़ें क्या होती है, जैसे आप मानो कि लेबर के बाद में हमारा बहुत सारे काम होते हैं उसके अंदर, उसकी अलग अलग रेट आप जोड़ के रखें। उससे पहले क्या होता है, एक तो सफाई करनी होती है, कहीं काम करते हैं तो सफाई का अलग से चार्ज करें, और कुछ तुलाई वड़ाई हो जाती है कुछ काम करने से पहले, जैसे कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी होती है तो उसको हम तोड़ते हैं तो उसको हम सफाई हो गई, तुलाई हो गई, या फिर और उसके अंदर छोटे मोटे काम बहुत होते हैं उनका भी हम अलग से रेट लिख लेते हैं कि इतना खर्चा इसमें आ जाएगा। उसके बाद में अब हमारा मेटेरियल लगा के जब हम चिनाई करेंगे तो हमारी अगर जैसे नीचे नीचे का काम होता है तो वो नीचे आराम से हो जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे हमारा ऊपर का 4-5 फीट से, जब 4 फीट से ऊपर जाती है चिनाई
उसके बाद में क्या करते हैं, हमारे को उसकी ज़रूरत पड़ती है फोल्डिंग की, यानी कि जो पैड होती है वो पैड की ज़रूरत पड़ती है, उस पैड का भी खर्चा आप जोड़ के चलें, क्योंकि बिना पैड के काम नहीं होगा। पैड जब जोड़ते हैं तो पैड हमारी आती है, जिसको इसका फोल्डिंग बोलते हैं, वो आएगी तो उसका अलग से किराया होता है, उसका किराया अलग से जोड़ें, उसका लाने का ले जाने का दोनों खर्चे अलग से जोड़ें, क्योंकि वो भी खर्चा इसी में आपको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में अब हमारी साइड पे पहुंच गई, साइड पे हमारा लोडिंग अनलोडिंग वो खर्चा भी इसके अंदर अलग से जोड़ें, क्योंकि हमारी लेबर लगेगी खाली करने में, तो वो भी हमें अलग से चार्ज देना पड़ता है, तो उसका भी हम खर्चा जोड़ेंगे। उसके बाद में अब हमारी फोल्डिंग जब हम काम करने के लिए हम लगाएंगे, तो उसका भी लेबर हमारी अलग से लगती है, उसका भी चार्ज हम अलग से जोड़ देते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, हम छोटी छोटी चीज़ें इनको सबको जोड़ करके, उसके बाद में अब हमारा एक एवरेज मान के चलते हैं, और उस एवरेज के हिसाब से हम जैसे पलस्तर की रेट मानते हैं तो 100 स्क्वायर मीटर का रेट जोड़ लें, तो उसमें फिर हम, क्योंकि मोटी क्वांटिटी बनाने के बाद ही सिंपल रेट निकल पाती है, क्योंकि आप अगर छोटी चीज़ों का खर्चा से 10x10 का 100 फिट का अगर निकाल के चलोगे, तो 100 फिट में हमारा कोई एवरेज नहीं बनता है। इसलिए बड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ का, जैसे अगर हमारा ब्रिक वर्क हो गया, जैसे ईंटों की चिनाई हो गई, उसकी अगर हम रेट बनाएंगे, तो उसकी रेट को भी हम मोटी क्वांटिटी में 10 क्यूबिक मीटर का लेके चलें, तो उसको भी हमें इसमें एवरेज हमारा निकल के आ जाता है कि हमारी क्या रेट बनती है। और इसी तरीके से अगर आप रेट बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको रेट बनाना आराम से सीख जाओगे। थोड़ा ध्यान ये रखें कि दिमाग, आप जहाँ काम करोगे उस जगह दिमाग रखना जब रेट बनाते हो, क्योंकि वहाँ से वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि वहाँ कितनी दूरी पर माल मेटेरियल गिर रहा है, वहाँ कुछ सामान तो ऐसा तो नहीं है जिसे हमें हटाना है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जहाँ पे, मतलब आप जैसे आप रेट बनाते हो किसी भी साइड की, जहाँ आप काम देख के आते हो उसके बाद कहते हैं कि हमें इसका रेट पता नहीं है, तो वहाँ आप इस तरीके से, मतलब पहले साइड विजिट करें, साइड देखें, साइड पे पानी की समस्या तो नहीं है, पानी का इतनी दूर से आएगा, मेटल क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रखनी पड़ेगी, और उसके बाद में आप रेट बना सकते हो। अब दोस्तों इसके लिए प्रैक्टिकली जो चीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी 3 वीडियो डाल रखे हैं, और उन वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगी, आप देख लेना उसको, और मैं नाम भी उनका बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा है। एक है प्लास्टर की मटेरियल सहित रेट कैसे बनाएं, एक वीडियो तो मैंने ये डाल रखा है, इसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। जैसे रेट की बनाने की बात कर रहा हूँ, तो पहला वीडियो ये है, दूसरा वीडियो है हमारा एक क्यूबिक मीटर में, यानी कि 500 जो ईंटें होती है उनकी चिनाई करने की रेट मटेरियल के साथ बनाना सीखें, दूसरा वीडियो मैंने ये डाल रखा है। इसको भी आप अच्छी तरह दिमाग से देखोगे, समझोगे और कोशिश करोगे रेट बनाने की, तो आप सीख जाओगे ये। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसी बीच में, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना कि रेट सभी चीज़ों की ऐसे ही बनती है, क्योंकि कोई रेट अलग से नहीं होती आपकी, कि आप किसी अलग तरीके से बनाते हो उसको, आप मतलब कोई वो नहीं होता, सारी चीज़ों का फॉर्मूला यही होता है। कोई भी उठा के देख लीजिए, माल मेटेरियल लाएंगे उसके बाद में हम रेट बनाएंगे, सारा उसका काम करने का, लेबर का चार्ज, मेटेरियल का चार्ज, सारी चीज़ें हैं, उसको आप अगर तरीके से समझोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अगला वीडियो है हमारा बाउंड्री वाल का रेट बनाना सीखें। बाउंड्री वाल जो होती है हमारी, मैंने ये भी वीडियो बना के डाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है किस तरीके से हम उसका रेट बनाना सीख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप काम करोगे, मतलब दिमाग में इस चीज़ों को रखोगे, ये 3 वीडियो मैंने जो डाल रखे हैं सभी के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, आप देखें ना देखें वो आपको ऊपर डिपेंड है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो ये चीज़ें आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। दोस्तों होता क्या है, बिना नॉलेज के जल्दीबाजी अगर हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी काम करें, ज़रूरी नहीं है आप ठेकेदारी की बात कर रहा हूँ मैं, आप जो भी बिजनेस करें, बहुत सारे बिजनेस करते होंगे आप,
तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको रेट का पता नहीं होगा यानी कि उस चीज की जानकारी नहीं होगी तो आपको घाटा लग सकता है। और दोस्तों आप इसी तरीके से अगर काम करोगे जानकारी के साथ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को घाटा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का आपको पता है तो घाटा होने का सवाल ही नहीं होता। अगर पता नहीं है तो फिर आपको घाटा लगने से कोई नहीं रोक सकता। ये मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आप लाइक और शेयर करने में तो शायद मतलब पूरी कंजूसी करते हो, क्योंकि एक लाइक से किसी और का भला हो सकता है, किसी और के पास ये वीडियो पहुँचते हैं, इसलिए मैं आपको लाइक ही कहता हूँ। शेयर करने से भी किसी और का भला हो सकता है, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ऐसे आप भी किसी की हेल्प करें। इस तरीके से काम करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना।